हे गाइस, दिस इज शुक्ला। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IIIT सूरत के बारे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूरत। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस IIIT के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये IIIT 2017 में इस्टेब्लिश हुआ था, एक न्यू ओपन IIIT है। तो इस वीडियो में हम आपको इस IIIT के बारे में ए से लेकर जेड तक की पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल में देने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस IIIT का कैंपस कैसा है, कैंपस लाइफ कैसी है, हॉस्टल कैसे हैं, यहाँ पे एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, कौन कौन से कोर्स ऑफर होते हैं, फीस कितनी है IIIT सूरत की, और इस IIIT में प्लेसमेंट्स कैसी हैं, प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है IIIT सूरत का, और यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको JEE Main में कितनी रैंक लेके आनी होती है, यानी हम 2019 के कट ऑफ बताएंगे IIIT सूरत के लिए कैटेगरी वाइज और ब्रांच वाइज। गाइस, यहाँ पे एक कॉलेज प्रिडिक्टर है जो कि कैरियर क्लिक सर्विसेज के नाम से गूगल प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। इस ऐप के थ्रू आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग अपने कॉलेज को प्रिडिक्ट कर सकते हो, कॉलेज की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो इस ऐप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां से जाकर आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। काफी एक्यूरेट ऐप है, यहाँ पे जो रैंक बताई गई है वो काफी एक्यूरेट बताई गई है, तो आपके लिए ये ऐप काफी बढ़िया है, इसीलिए मैंने अपने वीडियो में इस ऐप को सजेस्ट किया है। तो जाइए और अपने रैंक के अकॉर्डिंग अपने कॉलेज को प्रिडिक्ट करिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस IIIT के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो ये IIIT 2017 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका जो मेंटर इंस्टीट्यूट है वो SVNIT सूरत है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत। और SVNIT सूरत में ही IIIT सूरत की अभी क्लासेस चल रही हैं, इसके लिए कोई परमानेंट कैंपस नहीं है। इसकी जो क्लासे हैं वो टेम्परेरी बेसिस पर SVNIT सूरत में लग रही हैं। और अगर हम कनेक्टिविटी देखते हैं तो इसके लिए जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है SVNIT सूरत के लिए वो सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से डिस्टेंस ओनली 8 किलोमीटर का है। और जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो सूरत रेलवे स्टेशन है, और रेलवे स्टेशन से भी इसका डिस्टेंस ओनली 10 किलोमीटर का है। तो इसका जो कैंपस है वो अभी SVNIT सूरत में लग रहा है, जिसके कारण आपको कैंपस के अंदर बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं। SVNIT सूरत के स्टूडेंट जो फैसिलिटीज यूज करते हैं वो सेम फैसिलिटीज आपको भी मिलती हैं। अगर आप IIIT सूरत में एडमिशन लेते हो तो आपको भी सेम फैसिलिटीज मिलने वाली है। इस IIIT में आपको अभी सिर्फ BTech का कोर्स ही मिलता है, और यहाँ पे BTech के लिए कंप्यूटर साइंस है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है। BTech में इस IIIT में ओवरऑल 132 सीट्स हैं, और जो सारी सीट हैं वो जेंडर न्यूट्रल की है। यहाँ पे फीमेल स्टूडेंट्स के लिए अलग से कोई रिजर्वेशन नहीं है, और एडमिशन प्रोसीजर सिंपल सा है। सबसे पहले JEE Main का एग्जाम देना है, JEE Main के एग्जाम के बाद आपको अपनी काउंसलिंग IIIT सूरत के लिए JOSA और CSEB के थ्रू करनी होती है। JOSA और CSEB की काउंसलिंग में आप इस IIIT को एज अ चॉइस फिल करके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। अगर हम फीस स्ट्रक्चर देखते हैं IIIT सूरत का, तो यहाँ पे आपको एडमिशन लेते टाइम 78,000 रुपीज पे करने होंगे, जिसमें ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर 67,500 रुपीज है। तो अगर हम इंस्टीट्यूट फीस IIIT सूरत की दूसरे IIIT से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आपको फीस थोड़ी सी कम पे करनी पड़ रही है, क्योंकि IIIT भागलपुर पे मैंने इसके पहले वीडियो बनाई थी और उसकी जो ट्यूशन फीस थी वो पर सेमेस्टर 90,000 रुपीज थी। तो अगर हम देखते हैं IIIT सूरत की इंस्टीट्यूट फीस तो वो दूसरे IIIT के कंपेरिजन में कम है। इसके बाद अगर हम हॉस्टल फीस की बात करते हैं तो यहाँ से आप हॉस्टल फीस देख सकते हो, यहाँ पे आपको एनुअल फीस जो हॉस्टल की पे करनी होगी वो 6,200 रुपीज पे करनी होगी, और मेस का जो एडवांस आपको पर सेमेस्टर पे करना होगा वो 16,500 रुपीज पे करना होगा। इसके बाद अगर हम कैंपस की बात करते हैं तो कैंपस इसका टेम्परेरी है, इसकी जो क्लासे हैं वो NIT सूरत में लग रही है, तो कैंपस के अंदर आपको काफी अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी। यहाँ पे वही बातें मेंशन की गई है जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में, जो कि है प्लेसमेंट रिकॉर्ड IIIT सूरत का। तो IIIT सूरत का भी फर्स्ट बैच पास आउट नहीं हुआ है, इसका फर्स्ट बैच 2021 में पास आउट होगा तब इसके प्लेसमेंट रिकॉर्ड के बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। बाकी IIIT सूरत की जो क्लासे हैं वो अभी NIT सूरत में लग रही है, तो इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर आप IIIT सूरत में भी एडमिशन ले रहे हो, और आपके पास आउट होते होते यानी फाइनल ईयर आपका आते आते इसकी जो क्लासे हैं वो NIT सूरत में ही लगती रहती हैं, तो इसका आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा और एक अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफी बढ़िया हो सकते हैं अगर IIIT सूरत की जो क्लासे हैं वो लगातार NIT सूरत में लगती रहे। इसके बाद अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पे सभी कैटेगरी के लिए कट ऑफ बताए गए हैं, यहाँ पे जो रैंक बताई गई है वो सभी कैटेगरी की ऑल इंडिया रैंक यानी CRL रैंक बताई गई है, किसी भी कैटेगरी की कैटेगरी रैंक यहाँ पे मेंशन नहीं
नहीं की गई है। जेईई मेन के स्कोर कार्ड में आपकी जो ऑल इंडिया रैंक है उससे आप IIIT सूरत के लिए अपने कट ऑफ मैच कर सकते हैं। इस IIIT के जो कट ऑफ होते हैं वो इंडिया में जो दूसरे IIIT हैं उनके कंपैरिजन में थोड़े से हाई हैं। आप अगर इसके कट ऑफ IIIT भोपाल या IIIT भागलपुर से कंपेयर करते हो तो यहाँ पे आपको थोड़े से हाई कट ऑफ देखने को मिलेंगे। अगर जनरल कैटेगरी से आते हो तो 2019 में जनरल कैटेगरी की जो क्लोजिंग रैंक थी IIIT सूरत की वो 22,907 थी CS की, और EC की जो क्लोजिंग रैंक थी वो 38,757 थी। EWS कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो 25,255 थी। SC कैटेगरी के लिए कंप्यूटर साइंस की जो क्लोजिंग रैंक थी वो 165,245 थी। यहाँ पे जो कट ऑफ बताए गए हैं उनके आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये कट ऑफ आपको आपके चॉइस फिलिंग में बहुत हेल्प करेंगे। चॉइस फिलिंग करते टाइम आपको पता होगा कि IIIT सूरत का 2019 में कट ऑफ क्या था, क्लोजिंग रैंक क्या थी, इससे आपको आपके चॉइस फिलिंग में हेल्प मिलेगी। तो ये कट ऑफ आप सेव करके रख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प करेंगे ये आपके काउंसलिंग के टाइम पे। बाकी ये वीडियो हो चुकी है कंप्लीट। यहां पे हमने IIIT सूरत के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी है। बाकी अगर हम प्लेसमेंट के बारे में एक ओवरव्यू दें IIIT सूरत का, तो यहाँ पे जब तक इसकी क्लासें NIT सूरत में लग रही हैं तब तक प्लेसमेंट यहाँ पे बहुत अच्छे होने वाले हैं और प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफी अच्छा होगा IIIT सूरत का। बाकी जब इसका कैंपस शिफ्ट हो जाएगा इसके बाद इसके बारे में हम अभी नहीं कह सकते हैं। जब कैंपस शिफ्ट हो जाएगा कैंपस की जो कनेक्टिविटी होगी उसका जो इन्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से प्लेसमेंट रिकॉर्ड जो है बताए जा सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी IIIT सूरत के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ये IIIT आपके लिए काफी बेटर ऑप्शन है।